हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मिस्टर व्लॉग्स लाइब्रेरी। तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, साफ सुथरा नहीं हूँ गाइस। असल में मसला ये था कि फजर के टाइम में उठ के तो तैयार वगैरह होकर कॉलेज चला गया, नाश्ता करके, जो वही डेली रूटीन है। कॉलेज का भी थोड़ा सा व्लॉग आपको दिखाना था, लेकिन कॉलेज का इसलिए नहीं दिखा सका कि टाइम भी नहीं था और कॉलेज भी जाना था, टेस्ट भी था, और दूसरा ये कि कॉलेज में मोबाइल भी नहीं अलाउ, पकड़ा जाए तो फिर वापस नहीं करते, ये थोड़े बहुत मसाइल थे, इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया कॉलेज का। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल मैं व्लॉग बनाऊँ कॉलेज का, इंशाल्लाह कोशिश तो है मेरी, लेकिन देख लें अब बनता है नहीं बनता वो डिपेंड करते हैं, कॉलेज वाले बनाने देते हैं नहीं बनाने देते। तो खैर बस अब ये देख लें आप, कोई कॉलेज से वापस आए यूनिफॉर्म उतारे, नहीं तो पहले मैंने बोला सोचा पहले सारे काम ख़त्म करके पहले व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। व्लॉग स्टार्ट हो गया तो अभी गाइस बस ये हालत देख सकते हैं, ये हालत चेंज करते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन में भी मोबाइल अलाउ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए व्लॉग बना लें, लेकिन अगर इधर भी कोई सीन नहीं बनता तो खैर है, छड्डो यार, तुसी मैं भी देख लो यार, मैं तो है वा ना, तुसी मैं देख कर टाइम पास करो तो मैं तो देख कर टाइम पास करना, छड्डो यार, सारी दुनिया में मारो गोली। लेकिन अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे जाके चेंज वगैरह करते हैं, चेंज वगैरह करके ये बालों की भी हालत देख सकते हैं, सुबह स्प्रे किया था अभी बैंड लगाया तो ख़राब हो गया, तो प्लेटफॉर्म की ट्यूशन। ओए कितनी क्यूट पपीज, ये शायद नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हो, देख क्यूट पपीज। तो फिलहाल तो गोइंग टू ट्यूशन, पढ़ने जा रहे हैं यार, पढ़ने जा रहे हैं, खैरों में दिखाता हूँ, स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, ओए स्टेट गाइस अंदरूनी रास्ते से। फाइनली पहुँचा है रास्ते में, ठीक है, और रास्ते में नहीं ट्यूशन पहुँचा है। तो गाइस ये देख रहे हैं, ये भी स्टेट का काम कर रहे हैं, ये स्टेट का काम हो रहा है यार। तो गाइस बहुत इजी है स्टेट, गाइस फिलहाल बैक टू होम। तो फिलहाल असद भाई को छोड़ के वापस घर की तरफ रवाना है, तो देख लें बस हालत देख लें, थोड़ा रिजल्ट से ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि है ना रात है और फ्लैश भी ऑन है, रिज़ल्ट से ही नहीं आ रहा होगा। तो दूसरे के बाकी कल इंशाल्लाह आपको कॉलेज का व्यू भी दिखाना है, थोड़ा कॉलेज का भी, खैर इजाज़त तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको कॉलेज का भी जो है ना दिखा देंगे, तो कॉलेज की क्या रूटीन होती है वो भी दिखा देंगे। तो गाइस अभी तो बज रहे हैं 9, तो चलते हैं सोने, घर अभी जाएँ, घर जा कर सोते हैं यार, गाइस थक चुके हैं सारा दिन चल चल के मत मारी गई है। तो गाइस मिलते हैं आपसे सुबह। छाती की हालत अभी तो, पहले तो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद कॉलेज का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाती है, ठीक है। फिलहाल देख लें, दिन की बारिश से भी है, बड़े मज़े का मौसम हुआ है, ठीक है। गाइस तो फिलहाल कॉलेज में ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यार इतनी मुश्किल से एक तो छुप के वीडियो बना रहा, एक तो इतना ब्लॉग आपके लिए शूट कर रहा हूँ, छुप के फिर भी आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, शेयर ना करें, तो फिर तो अब बस अल्लाह ही जाने आप। और ये देखें गाइस, तो चलिए फिर दूसरे दोस्तों का वेट कर रहे हैं, आ जाएँ तो यार उनके साथ कोई शुक्र मिलने का है, बल्कि स्टेट का टेस्ट भी हम लोग याद कर रहे हैं, वरना बैंड बच जाएगी। और
ये देख लें अभी तक कोई नहीं आया सो आए मेरे, और मैं भी सिर्फ इतना जल्दी आया आपको शूट दिखाने के लिए, कॉलेज का व्यू दिखाने के लिए। गाइस वेलकम बैक, और कॉलेज से छुट्टी के बाद अभी ये देख सकते हैं घर जा, ठीक है घर पे हो, और बस अभी जो है ना घर जा रहे हैं, घर जाके देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट प्लान वगैरह। तो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गुनाह कर रहा हूँ पता नहीं भाई यार, चलो व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ और कुछ तो कर रहा हूँ, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, खैर है और यार खैर है, लोग जैसे देखते हैं देखने दो। ये देख लें गाइस, ये सुबह तो वीडियो स्टेबल नहीं थी, अभी स्टेबल भी हुआ थोड़ा। ये देखें हम छत पे यार बड़े मज़े का नज़ारा था, मैं आ गया हूँ छत पे, पता नहीं किस किस को छत पे चढ़ना अच्छा लगता है या नहीं छत पे जाना, लेकिन मुझे वो शौक है छत अपनी छत पे आना। एक बार मैं लाजमी आता हूँ देर में एक बार, बड़ा प्यारा सीन होता है छत पे आना, छत पे खड़े होने छत से निकाल लेना बड़े मज़े का सीन होता है। तो गए इधर ही एक बात और, के पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो क्या वजह थी, वो ऐसी क्या गलती है आदम अलैहिस्सलाम ने की थी कि जिसकी वजह से उन्हें निकाल कर जन्नत से निकाल कर दुनिया में अल्लाह ताला ने भेज दिया था। तो उसका जवाब ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना किया था कि एक कोई दरख्त था या पौधा था, अभी इतना क्लियर मुझे नहीं है कि पौधा था कि इसका फल नहीं खाना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ना शैतान के बहकावे में आके वही फल खा लिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सजा के तौर पर दुनिया में भेज दिया। देखें ये छोटा सा इस्लामी क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या था, पहली बीवी का नाम क्या था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ जो थी उनका क्या नाम था, फर्स्ट वाइफ। मेरा क्वेश्चन जो आपसे मैंने पूछा था अभी इसका तो आंसर हो गया, और ये जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है ना ये इसका जवाब आपने लाजमी मुझे जो है ना आगे कमेंट में देना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ का क्या नेम था, पहली जो उनकी बीवी थी उनका क्या नाम था। तो गाइस अभी देख लो यार, सर्च किया करो थोड़ा, इस्लाम के बारे में पता होना लाजमी है क्योंकि आखिरकार मुसलमान है यार, बाकी यार रमज़ान आ रहा है आगे, तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। कौन कौन रोज़े रखता है सच्ची सच्ची बताना, कौन कौन रोज़े रखता है, झूठ नहीं बोलना। और बस यार रोज़े जिन जिन पे फ़र्ज़ हैं वो तो सारे रखें, बच्चे खैर बच्चे तो ना रखें उन पर भी फ़र्ज़ नहीं होते, बाकी आप सब ने रोज़े रखने और मेरे लिए भी दुआ करनी है और सब के लिए दुआ करनी है, ठीक है सब के लिए, ख़ासतौर पर मेरे वालिद साहब जो कि मरहूम जो कि फोत हो गए हैं उनके लिए दुआ करनी है आप सब ने, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा छत का व्यू दिखाता हूँ, फिर चलते हैं नीचे, व्लॉग को एंड करते हैं, पार्क जाते हैं, बल्कि व्लॉग की एंडिंग उधर करते हैं, देख लें थोड़ा भी। हाय 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 क्या मज़े का व्यू है यार। यार गाइस अच्छा इधर एक और क्वेश्चन भी है, ये जो सामने टंकी नज़र आ रही है इतनी बड़ी टंकी वाटर सप्लाई की टंकी, ये आप लोग अगर बता दें कैसे जगह है, और ये जगह का ये व्यू का देख के बता देना ये किस जगह पे है, ये कोई बता सकते हैं ये मैं किस जगह खड़ा हूँ, इसका भी आपको मैं अगले वीडियो में बता दूँगा कि मैं किस जगह खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग भी पहले मुझे बता दें यार, है वो देख रहे हैं सामने बिल्डिंग तैयार होते हैं। तो गाइस बस थोड़ा सा ये व्यू देख लें आसमान की तरफ, देख चलें गाइस बस अब चलते हैं नीचे जो है ना, नीचे जाके अब पार्क चलते हैं और इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक जी गाइस, हम आ गए थे पार्क में आए थे, तो मैंने बोला ज़रा आपको भी व्यू दिखा दे पार्क का, पार्क आए थे मैं और अदनान आए थे, अदनान भाई तो अभी चले गए उनका काम था, तो मैंने बोला ज़रा आपको भी व्यू दिखा दूँ इसका, व्यू कैसा है पार्क का। तो गाइस
देख लें कुछ ऐसा व्यू है। क्या लुक, हल्की हल्की धूप है और हल्की हल्की छाँव, क्या लुक है। गाइस ये देख लें, ये ट्रैक है हमारे पार्क का थोड़ा सा, ये देख लें। आए हाय हाय, बाकी गाइस थोड़ा आपको पार्क वगैरह का व्यू दिखाते हैं। ये थोड़ा व्यू देख लें पार्क वगैरह का। ये बाहर आवाम चल रही है। खैर मज़ा तो आता है पार्क में बहुत, जो है ना काफ़ी मज़े का सीन है। ये देख लें, ये देखें गाइस कितने मज़े का सीन है। पार्क वैसे ही मज़े के होते हैं। तो अभी चलें ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मैंने दो दिन से शूट कर, दो दिन का कंबाइन करके व्लॉग बनाता हूँ। तो अभी जाना है, एडिट भी करना है व्लॉग को और फिर अपलोड भी करना है। 5 बजे व्लॉग की अपलोड टाइमिंग है, ज़रूर देखें। तो बाकी होप यू लाइक दिस व्लॉग। बाकी गाइस मेहनत करना हमारा काम है, इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग आएंगे ना वो इससे भी अच्छे आएंगे। बाकी मेहनत करना हमारा काम है, तो बाकी सपोर्ट आप कर लेना थोड़ा सा ग्रो करने के लिए। बस इंशाल्लाह इसी तरह हो जाएगा। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। बशर्त ये कि ज़िंदगी हुई, सेहत हुई, तो इंशाल्लाह मिलेंगे। बाकी ये कि सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, क्या जा रहा है आपका, लाइक बटन फोड़ो, क्या जा रहा है, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करो यार, फ्री में है तो बस फोड़ के रख दो।